हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग का फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम नीच सिलेक्शन देखने वाले हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग की। तो गाइस, मैंने पहले आपको दो पार्ट्स में बता दिया है। पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है उसका प्रोसेस बताया। सेकेंड पार्ट में गाइस, मैंने आपको बताया कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एग्ज़ाम का लिंक डालूंगी, वो आपका एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आपको आपकी ईमेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। बट चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे फ्री कोर्सेज आपके लिए आते रहेंगे विद सर्टिफिकेशन। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं नीच सिलेक्शन इन एफिलिएटेड मार्केटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीच होता क्या है, व्हाट इज़ नीच, ये देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आप हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वो है हाउ टू सिलेक्ट नीच। ठीक है, देखेंगे नीच होता क्या है और उसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि नीच होता क्या है। नीच बेसिकली पता क्या होता है कि आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। मान लो हम किसी ई कॉमर्स कंपनी के एफिलिएटेड प्रोग्राम को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, उनका हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी हमें चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आप एक बॉय हो तो आपको बॉयज़ के कपड़ों के बारे में, बॉयज़ के फ़ैशन के बारे में पता होगा। अगर आप गर्ल हो तो आपके गर्ल के फ़ैशन के बारे में पता होगा, मेकअप के बारे में पता होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको कंप्यूटर एक्सेसरी या मोबाइल एक्सेसरी में आपको बहुत कुछ पता है तो आप उसमें कर सकते हो। तो बेसिकली नीच के पता क्या होता है कि किस कैटेगरी पे आप काम करने वाले हो। ये नहीं है कि आप सारी कैटेगरी को प्रमोट करने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी होती है जिसे आप प्रमोट करते हो, क्योंकि एक कैटेगरी सिलेक्ट होने का मतलब है कि आप उस चीज़ पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे और काम कर पाओगे। अब गाइस, जो नीच है हमारी, जिसे मैं आपको बता रही हूँ, जो नीच है, कई लोग होते हैं वो कंप्यूटर एक्सेसरी मोबाइल एक्सेसरी में नीच को सिलेक्ट करते हैं, कई होते हैं वो मैन फैशन या गर्ल्स फैशन में करते हैं, कई होते हैं वो किचन में करते हैं। ठीक है, नीच को सिलेक्ट। अब नीच को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, आप कैसे सोचोगे कि मैं कौन सी कैटेगरी को प्रमोट करूं, किस कैटेगरी को मैं प्रमोट करूं उससे मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी, तो वो कैसे सिलेक्ट करोगे। पहला, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होगी ना तो वो चीज़ आप ईज़ के साथ और काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप मोबाइल की एक्सेसरीज डाल रहे हो, आपको उसकी कुछ कोई नॉलेज नहीं है, इसके क्या फ़ीचर हैं, ये कितना प्राइस है, कुछ आपको पता नहीं है, तो आप किसी को बताओगे क्या, तभी वो ख़रीदेगा। क्योंकि एक चीज़ है, अगर आपको गाइस सेल करने का आर्ट आ जाता है ना, किसी भी चीज़ को बेचने का आर्ट आ जाता है ना, तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ के, किसी कैटेगरी या किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी ना, तभी आप उसकी मार्केटिंग कर पाओगे। दूसरा है डिमांड, डिमांड को देखना होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, तभी मैं आपके लिए यही वाला कोर्स लेके आई हूँ एफिलिएटेड मार्केटिंग, क्योंकि आने वाले में समय में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दूसरा गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग मोबाइल्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपको डिमांड अब इस समय किसकी है, मोबाइल एक्सेसरीज की, मोबाइल की ज़्यादा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको रिसर्च ज़रूर करनी है गाइस। अगर आप रिसर्च करोगे, गूगल आप खोल के बैठ जाओ, उसमें आप रिसर्च करो, जो भी आप कैटेगरी या जो भी नीच सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसका आप अगर एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाहते हो, उसको गूगल पे सर्च करो कि अभी किसकी डिमांड चल रही है, ठीक है, कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसके बाद उसकी नॉलेज इकट्ठी करो, उसके बाद आप अपना नीच सिलेक्ट करो। ठीक है, नीच सिलेक्ट करोगे, क्योंकि नीच सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छा नीच, बढ़िया नीच, डिमांड के साथ, विद नॉलेज एंड रिसर्च के साथ सिलेक्ट करते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है कि जो आपकी एफिलिएटेड मार्केटिंग के में आपकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में बिठा के आगे चलनी है कि अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको जो नीच को सिलेक्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एफिलिएटेड मार्केटिंग में। क्योंकि अगर आपका नीच सिलेक्शन अच्छा होगा ना, तो आपकी सक्सेस एफिलिएटेड मार्केटिंग में अच्छी होगी और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होने वाली है। ठीक है, तो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा नीच सिलेक्शन इन एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस जगह आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो, कौन कौन सी जगह है वो, वहाँ पे आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हो। तो फुल कोर्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना उन स्टूडेंट्स तक जो ये कोर्स करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
So guys, meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this.